Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the Leonard Jones potential and the cohesive energy for noble gases. Last time हमने इनकी van der Waals interactions देखी थी जो के weak interactions थी और उस केस में हमने interaction जो energy निकाली थी that was just a proportional to inverse of this r power 6 which was just a dipole-dipole interaction. लेकिन इस केस में होता यह है कि जब आपस में वो क्लोज आएंगे नोबल गैसेस जस्ट लाइक हैं जैसे तो एटम्स आपस में एक दूसरे के जब क्लोज आते हैं तो उसमें फिर रिपल्सिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती हैं. रिपल्सिव फोर्सेस जो कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं तो उस केस में जो उनके साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल है दैट इज जस्ट गिवन बाय पावर लॉ. सिमिलरली जैसे ये इंटरेक्शंस हैं इसी तरह ये रिपल्सिव फोर्सेस में है और आर पावर यहाँ 6 की बजाय 12 है, 6 की बजाय 12 पावर है. ये एम और एन की टर्म में हमने लास्ट टाइम इसको लिखा था तो जिसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि एम इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एन वेयर एम इज द पावर ऑफ आर इन रिपल्सिव फोर्स एंड एन इज द पावर इन अट्रैक्टिव फोर्सेस. So the associated potential for both of these is one is this one and the second is this one. The total potential will be sum of these two quantities. Delta U is R dependent term A over R power 6 plus P over R power 12. A and B are some positive constants जो कि इनकी strength को determine करते हैं कि attractive force कितनी strong है या repulsive force कितनी strong है. और R is the distance between two nuclei. इसी को हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें देर इज नथिंग लाइक द स्पेशल वन कि हम इसको इस तरह से कैसे क्यों लिखना चाह रहे हैं बट अल्टीमेटली एक कुछ कॉन्स्टेंट्स की टर्म में लिखा जाएगा तो वो कॉन्स्टेंट डिटरमिन करना आसान है. तो यहाँ ए स्केयर ओवर बी अगर इस होल टर्म में से कॉमन लिया जाए तो बी ओवर ए यहाँ बच जाएगा. यू कैन डू दिस अलजेब्रा. बी स्केयर ओवर ए स्केयर आर पावर 12 ये अट्रैक्टिव पार्ट्स एंड दिस वन इज जस्ट अ रिपल्सिव पार्ट. तो अब फोर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए जबकि एक सिंपल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड वेरिएंट ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय 4 ई इनटू माइनस सिग्मा पावर 6 आर पावर 6 प्लस सिग्मा 12 एंड आर पावर 12. दिस इक्वेशन इज नोन एज लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल. लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल दोनों को इंक्लूड करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों को इंक्लूड करता है. इसमें जो कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं दिस एप्सिलॉन इज 4 ए स्क्वायर बाय बी एंड सिग्मा इज बी ओवर ए पावर 1 ओवर 6. ये 1 ओवर 6 की जो टर्म्स हैं पावर में उनको सिग्मा के साथ रिप्लेस कर लीजिए और यहाँ जाहिर है ये 4 ए स्क्वायर ओवर बी इज जस्ट योर एप्सिलॉन. लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल है और इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व की गई हैं वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हैं. अट्रैक्टिव पावर 6 के साथ इनवर्स में है और जो आर पावर 12 है ये रिपल्सिव फोर्स का पार्ट है. और एक्सपेरिमेंटली जो डाटा से डिटरमिन किया जाएगा तो इनको गैसेस फॉर्म में ये इसकी स्ट्रेंथ को ही डिटरमिन किया जा रहा है लाइक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस किस तरह से वेरी होती हैं और कर्व फिटिंग से भी आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सिग्मा और जो भी ये हैं ये टर्म भी आपको कर्व फिटिंग से ही मिलेंगी. अब ये कॉन्स्टेंट्स जो है ये और जो आपको लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल है इसको कुछ ग्राफिकली शो किया गया है. दिस इज योर लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल जिसमें लोअर डिस्टेंस पे जो रिपल्सिव पोटेंशियल है दैट इज जस्ट अ डोमिनेंट थिंग. और जब जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आपके पास जो रिपल्सिव पार्ट है वो रिड्यूस होता जाएगा बट द अट्रैक्टिव पार्ट विल बी डोमिनेंट. और जो कॉन्स्टेंट्स हैं प्रीवियसली जो इसमें लिखे थे लाइक सिग्मा और एप्सिलॉन तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन के लिए ये वाली वैल्यूज हैं. ये फिजिकल रिव्यू का कोई पेपर है 1958 का. सो लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल अब कैलकुलेट कर लिया था. ये लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल है आपके पास
और इसी से अगर हम कोहेसिव एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे? अब क्रिस्टल में हम ये देखते हैं कि अगर दो एटम को देखा जाए तो उनके दरमियान, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सेस, जब जाहिर है वो क्लोज आने पे ये रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो रही है, दो देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एटम्स, सो इनके दरमियान की अगर सेपरेशन आर है, इसी तरह के नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक क्रिस्टल में। सो अगर हम एक एटम को रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से इस वन को, इसकी इंटरेक्शन देखते हैं रिमेनिंग एटम के साथ, जैसे ये टू इसके करीब है तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसकी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है और इसकी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, तो हम इसको डबल काउंट तो नहीं कर सकते क्योंकि सेम सेम वही फोर्स है जो ये इसकी वजह से इस पे इंटरेक्ट करती है या इसकी वजह से इस पे एक्ट करती है, ये फोर्स एक ही है, तो इसको डबल काउंट तो नहीं किया जा सकता। सो हम जब इस होल पोटेंशियल को लेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम उसको डबल काउंट कर रहे हैं, तो रिड्यूस दैट डबल काउंटिंग वी नीड टू डिवाइड बाय अ फैक्टर टू, ये टू के साथ इसको डिवाइड करती है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स अगर एन है, इंटरेक्शन जो एनर्जी जो टोटल है वो सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज होगा, और सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज में टू को टू के साथ डिवाइड करें, एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज, एनर्जी ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगी टू के साथ, जाहिर है वो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम डबल काउंटिंग से अवॉइड कर रहे हैं। आई इज नॉट इक्वल टू जे, हियर इज अ फैक्टर, आई इज नॉट इक्वल टू जे, विच मीन्स कि ये इसकी इसके साथ इंटरेक्शन इंक्लूड नहीं की जाएगी क्योंकि ये इटसेल्फ इस आपस में इटसेल्फ तो इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, आई मीन कोई एनर्जी वो नहीं है कि एक आइटम जो है वो अपनी ही इंटरेक्शन में कोई एनर्जी रखता है, तो इट्स नथिंग लाइक दैट, दैट्स वाई आई इज नॉट इक्वल टू जे है। आई अगर हम ये समेशन पे वेरी कर रहे हैं तो आई को अगर वन रखा जाए और जे को वेरी करेंगे तो इसका मतलब है कि वन की इंटरेक्शन टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के साथ, फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन, उन सब के इंटरेक्शंस को इंक्लूड किया है यहाँ। अगर हम टू कर देते हैं आई नेक्स्ट टाइम और जे को फिर इसी तरह से इंक्रीज करते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो उस टर्म में सेकेंड एटम जो आपका है उसकी इंटरेक्शंस को दूसरे एटम के साथ कैलकुलेट किया जा रहा है। अब वो डबल काउंटिंग यहाँ से समझना इजी है कि इफ आई इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू, तो ये इनकी इंटरेक्शन आपस में कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट टाइम जब अब जे को टू रखेंगे और आई को वेरी करेंगे वन से, या फिर आई को टू रखते हैं मतलब आप सेकंड वाले के इंटरेक्शन को ले रहे हैं और जे वन है तो ये इसकी इसके साथ इंटरेक्शन काउंट हो जाएगी। यही चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, वन की इंटरेक्शन टू के साथ या टू की इंटरेक्शन वन के साथ, ये एक ही बात थी जिसको हम डबल काउंट कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको हमने टू के साथ डिवाइड कर लिया है। यहाँ जो पैरामीटर आर आई जे है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ब्राइटेस्ट लेटेस्ट वेक्टर आर है और इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, इट्स जस्ट डिफाइंड बाय दिस थिंग, आर आई जे इज एम आई जे इनटू आर, आर इज दिस आर इज एग्जैक्टली द सेपरेशन ऑफ दीज टू एटम्स, सो वेयर एम आई जे इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी और आई आर इज द नेबर डिस्टेंस, राइट? ओके, तो जो टोटल एनर्जी हमने प्रीवियस लिखी थी आर आई जे हमारे पास पता चल गया, तो हम इसको यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि एम आई जे समेशन मल्टीप्लाइड बाय आर एन ओवर टू, राइट? और यू क्योंकि समेशन में आ रहा है, समेशन ओवर यू है, लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल में हमने इस यू को यहाँ कैलकुलेट कर रखा है कि यू इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, सो सम ओवर ऑल एम आई जेस एंड यू विल बी योर टोटल एनर्जी, राइट? दिस इज योर टोटल एनर्जी माइनस वन ओवर एम आई जे पावर सिक्स, ये जस्ट वहाँ वैल्यूज प्लग की गई हैं आर आई जे की, जो उसके नीचे ये आर आई जे आता है। जब आप समेशन में लिखते हैं इसको तो लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल में जहाँ आर आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, वहाँ आर आई जे आ रहा है, उस आर आई जे को आपने रिप्लेस किया है एम आई जे मल्टीप्लाइड बाई आर, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल।
अब एनर्जी पर पार्टिकल अगर हम देखें, एनर्जी डेंसिटी को देखना चाहें, तो इस एनर्जी टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स के साथ, तो पर पार्टिकल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। सो एन के साथ डिवाइड किया था 2 एप्सिलॉन समेशन आई एस नॉट इक्वल टू जे एन दिस स्टार, राइट। और सिंपली मोर सिंप्लीफिकेशन इज के अगर हम यहाँ पे इस समेशन आई जे एम आई जे को किसी और कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, लेट्स से ए एम के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये जो टर्म आपके पास समेशन एम आई जे पावर 6 है, यहाँ 6 की जगह लेट्स से मैं एम कर देता हूँ क्योंकि ये सेम पावर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ भी एम कर देते हैं, यहाँ भी एम और यहाँ पर भी एम कर देते हैं। इसी तरह ये 12 है, 12 और 6 दोनों डिफरेंट है नंबर्स कम से कम, तो यहाँ एन, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी एन कर देते हैं। तो समेशन ओवर एम, दिस टर्म समेशन ओवर एम, इसको हम समेशन ओवर सॉरी आई इज नॉट इक्वल टू जे एम आई जे की पावर एम को एक नए नंबर से रिप्लेस करते हैं जो कि ए एम है। इसी तरह इसको रिप्लेस करते हैं ए एन के साथ, तो यहाँ जो समेशन की टर्म है वो जे और आई जे जो भी है, यहाँ सॉरी यहाँ आई जे दोनों हमेशा इज नॉट इक्वल टू जे होगा, तो इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए, दिस एन वुडंट बी देयर, आई एम सॉरी ये एन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इस एनर्जी को एनर्जी पर पार्टिकल लिख रहे हैं, तो एन यहाँ डिवाइड हो चुका हुआ है, दिस एन इज बाय मिस्टेक। ओके, सो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्रिस्टल की वो ये होगी। अब इसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या एनर्जी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे कैलकुलेट की जा सकती है, यस इट कैन बी कैलकुलेटेड। रिमेम्बर यहाँ हमने जस्ट इंटरेक्शंस की बात की थी, तो हम इसका मतलब है कि हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जीज ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को हमने ऑलरेडी निग्लेक्ट कर रखा है। वन मोर थिंग टू बी नोटिस्ड इज कि ये क्लासिकल पार्टिकल्स की तरह हमने इनको ट्रीट किया था। ओके, सो इक्विलिब्रियम नियरेस्ट डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो जो अभी एनर्जी कैलकुलेट की है अगर इसको मिनिमाइज किया जाए, मिनिमाइज करने का मतलब है कि डिफरेंशियल लेके 0 के इक्वल प्लग किया, ये असल में हमने किया ये है कि एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर इज जस्ट कांस्टेंट, दिस मस्ट बी कांस्टेंट एट अ सर्टन डिस्टेंस, यस, उनके दरमियान की जो सेपरेशन है एटम्स की, ये कोई खास किस्म की वैल्यू होगी तो वहां जाके ये एनर्जी कांस्टेंट होगी। सो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए लियोनार्ड जोन्स पोटेंशियल से, जो हमने एनर्जी अभी कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट की है, उसको हमने मिनिमाइज करना है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर लेते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी इसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पावर रूल्स इस्तेमाल हो जाएंगे। ओके, पावर रूल इस्तेमाल होगा तो डिफरेंशियल में ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म, इसकी ये फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का डिफरेंशियल, क्योंकि सिर्फ आर पे डिफरेंशिएट करना है, ए एम और ए एन बोथ आर जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आर, क्योंकि ये एम आई या एम आई जे के साथ डिफाइन किया गया है इनको। ओके, सो 0 प्लग कीजिए, लेफ्ट साइड पे रीअरेंज करें, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज जो है आर नॉट इन टर्म्स ऑफ एम और एन आ जाएगा। हमारे केस में जो पावर्स हैं वो N12 प्लग कर रखा था हमने, M को 6 को M प्लग कर रखा था, वो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं वापस, तो R नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नॉट एंड A12 A6 ये आ जाएंगी, A12 एंड A6 आर अगेन ये वाली चीज है। ओके, तो R नॉट ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे आपके पास वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑब्टेन होगा, मिनिमम एनर्जी होगी उन दो के दरम्यान, इंटरेक्शन की जो टोटल एनर्जी है उस पूरी क्रिस्टल की, नोबल गैसेस की, वो ये होगी सॉलिड क्रिस्टल में, राइट। ओके, ये डेंसिटी इसलिए लिखा है कि हम उनके दरम्यान का जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो जाहिर है ये पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहा होगा। सो फॉर द केस ऑफ एफ सी सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, A112 इज डिटरमिंड 12.13 एंड A6 इज 14.45,
तो इसकी वैल्यूज अगर यहाँ पे प्लग की जाए तो आर नॉट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दिस रिलेशन 1.09 सिग्मा इज फॉर द पैकिंग फ्रैक्शन आर नॉट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फॉर एफ सी सी क्रिस्टल। दिस इज गुड अप्रोक्सीमेशन, लेकिन इसमें स्लाइड्स वेरिएशन हो सकती हैं, जो वेरिएशन होंगी वो फिर क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट कर रखा है यहाँ, अगर काइनेटिक एनर्जी को इसमें इंक्लूड किया जाए तो वो स्लाइड से वेरिएशन इसमें आर नॉट में आ सकती है।